बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम कोमल ज़ारा फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट, 8th सेमेस्टर, स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक अबाउट ज़ेब्रा फिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी इट्स इंट्रोडक्शन एंड लेटर ऑन सी ऑल अदर पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू माई टॉपिक, दैट इज ज़ेब्रा फिश। ज़ेब्रा फिश इज वन ऑफ द मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एंड डिवेलपमेंटल स्टडीज। Its scientific name is Danurarium. It's a freshwater fish belong to Minnow family Cyprinidae, that is the largest and diverse family of fishes, native to India and South Asia, also found in private ponds. Zebra fish quickly attain maturity and जब ये 2 या 3 साल की हो जाती है तो वो sometime maturity attain करती है और जो उसका breeding season है वो 2 to 3 months का है। Got its common name because इसके अंदर stripes मौजूद होती हैं, like जैसे zebra की body के ऊपर black and white color की stripes होती हैं, same as जो zebra fish की body होती है उसके ऊपर भी uniform pigmented horizontal stripes होती हैं उसकी body के ऊपर, that's why it is called as zebra fish। जो stripes होती हैं zebra fish की वो blue in color होती हैं और extend होती हैं, फैली होती हैं gill cover से caudal fins तक। जो ज़ेब्रा फिश होती है इसको बायोमेडिसिन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी टैक्सोनॉमी की बात करें तो जो उसका डोमेन है वो यूकेरियोटा, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एक्टिनोपटर्गी, ऑर्डर क्यूप्रिनीफॉर्मस, फैमिली क्यूप्रिनेटी, सब फैमिली डेनियोनी, जीनस डेनियो, स्पीशीज डीरेरियो। नेक्स्ट अगर हम इसके बायनोमियल नेम्स की बात करें तो बेरिलियस रेरियो, किप्रिनस चपेलियो, ब्रैकिडेनियो रेरियो, किप्रिनस रेरियो, डेनियो लिनेटस, न्यूरिया रेरियो एंड पेरिलैम्पस स्ट्रिएटस आ जाते हैं। नेक्स्ट जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बॉडी शेप, माउथ, माउथ शेप, टेल शेप और फिन्स और टाइप ऑफ स्केल्स आ जाते हैं। बॉडी शेप के अंदर देखें तो उसकी जो शेप होती है वो फ्यूजीफॉर्म होती है और लिटली कंप्रेस्ड, माउथ शेप डायरेक्टेड अपवर्ड, टेल फॉर्क लाइक, फिन्स डॉर्सल पेक्टोरल पेल्विक एनल एंड कैजुअल, टाइप ऑफ स्केल एलास्मोइड स्केल्स एंड डर्मल स्केल्स। नेक्स्ट अगर हम इसके मेरिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फीटर्स सबसे पहले याद आता है, ये ओमनीवोरस होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स को लाइक जू प्लांक्टन, इंसेक्ट लार्वी, एलजी, स्मॉल क्रस्टेशंस, माइग्रेट, ये इतनी माइग्रेशन शो नहीं करते दूसरे स्पीशीज की तरह, लेकिन इनके जो लार्वी होता है जहाँ पे फूड की अबंडेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है फूड अबंडेंस, तो ये वहाँ पर माइग्रेट कर जाता है। ग्रोथ रेट जो होता है इनका वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू इनके फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट एंड डाइट। लाइफ स्पैन 2 to 3 ईयर्स, वेट जो होता है वो बिटवीन 0.1 to 0.5 ग्राम्स। नेचुरल जो प्रीडेटर्स होते हैं इसके वो प्रीडेटरी सिक्लिड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम फिन फार्मूला की बात करें तो जो डोर्सल फिन रेज हैं 8 to 9, पेक्टोरल फिन रेज 11 to 12, पेल्विक फिन रेज 6 to 7, एनल फिन रेज 8 to 9, कैजुअल फिन रेज 15 और मोर। लेटरल लाइन स्केल्स की बात करें तो 32 to 35 लेटरल लाइन स्केल्स होते हैं। देन अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये नेटिव टू इंडिया और साउथ एशिया है, आल्सो फाउंड इन प्राइवेट पॉन्ड्स। नेटिव जो कंट्रीज हैं इसकी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान। स्लो मूविंग और स्टैग्नेंट वाटर मीन्स के ठहरे हुए और रुके हुए पानी में पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, डिचेस एंड राइस पैडीज। अक्सर देखा जाए तो शैलो वाटर्स विद सैंडी और मडी सबस्ट्रेट्स और डेंस एक्वेटिक वेजिटेशन और फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस आ जाती हैं वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ जाती हैं। एज एन इंडिकेटर स्पीशीज बात की जाए तो जो ज़ेब्रा फिश होती है ये एज एन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस काम करते हैं। अगर ज़ेब्रा फिश के अबंडेंस के अंदर कोई चेंज आ जाए या हेल्थ के अंदर कोई चेंज आ जाए तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि वाटर की क्वालिटी के अंदर चेंज आया है, हैबिटेट की डिग्रेडेशन हुई है और पोल्यूशन कॉज हुई है। नेक्स्ट अगर प्रे स्पीशीज की बात करें
तो जो ज़ेब्रा फिश है ये इम्पोर्टेंट प्रे स्पीशीज है बहुत से प्रेडेटर्स के लिए, लाइक लार्जर फिशेज के लिए, बर्ड्स के लिए और एक्वेटिक मैमल्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन की, तो जो ज़ेब्रा फिश होते हैं ये इंसेक्ट की लार्वे के ऊपर फीड करते हैं लाइक मॉस्किटोज, और रिड्यूस कर देते हैं उनकी पॉपुलेशन को, और इस तरह जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। न्यूट्रंट साइकिलिंग के अंदर बात करें तो ये ओमनीवरस होती हैं, जो ज़ेब्रा फिश होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रंट साइकिलिंग के अंदर, और ये क्या करती है, कंज्यूम करती है प्लांट मैटर को, एल्जी को और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को, और ब्रेक डाउन करती है ऑर्गेनिक मैटर की, और एज एन रोल प्ले करती है न्यूट्रंट साइकिलिंग। नेक्स्ट अगर सीड डिस्पर्सल की बात करें तो ज़ेब्रा फिश होते हैं ये सीड को डिस्पर्स करने में भी हेल्पफुल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं, ज़ेब्रा फिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। और रिसर्च ऑन एक्वेटिक इकोलॉजी में यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे बहुत से हैबिटेट प्रेफरेंस बिहेवियर के ऊपर स्टडी करके इसके देख सकते हैं हम एक्वेटिक इकोलॉजी को। नेक्स्ट अगर हम इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस आ जाती है जेनेटिक सिमिलैरिटी टू ह्यूमंस, ज़ेब्रा फिश के कौन से जीन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं ह्यूमंस से, जो कि इनके वैल्यूएबल बनाते हैं स्टडी करने के लिए ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और डिजीज मैकेनिज्म्स को। नेक्स्ट अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश के एम्ब्रियोज होते हैं ये रैपिडली डिवेलप होते हैं और एक्सटर्नली डिवेलप होते हैं, और इस तरह ईजी ऑब्जर्वेशन हो जाती है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए। इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और रिसर्चर्स जो होते हैं वो स्कैबल हो जाते हैं कि वो स्टडी कर लेते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन को, टिश्यू की डिफरेंशिएशन को, और एम्ब्रियोनिक मॉर्फोजेनेसिस को रियल टाइम में इजीली वो रिसर्चर जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं। रीजनरेटिव एबिलिटीज़ की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश होती है इसके अंदर बहुत सी रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं, पार्टिकुलरली फेंस में, हार्ट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ज़ेब्रा फिश की ये जो रीजनरेशन होती है ये प्रोवाइड करती है इंटरनली, हमें पता चल जाता है ये टिश्यू की रीजनरेशन करती है, रीजनरेशन जो मैकेनिज्म्स होते हैं उनको मींस की रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं ज़ेब्रा फिश में। ड्रग डिस्कवरी और टॉक्सिकोलॉजी में बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश होती है इसको इंक्रीजिंगली यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, ड्रग डिस्कवरी के लिए और टॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग के लिए और ड्रग सेफ्टी असेसमेंट के अंदर। न्यूरोसाइंसेस में देखा जाए तो जो ज़ेब्रा फिश होती है ये इसके अंदर वेल करेक्टराइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, जो कि इसको यूजफुल बनाता है स्टडी करने के लिए न्यूरल डेवलपमेंट को, बिहेवियर को और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज को। इनकी जो ट्रांसपेरेंट एम्ब्रियोज होती हैं वो अलाउज करते हैं रिसर्चर्स को वो ईजिली विजुलाइज कर लेते हैं, विजुलाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है न्यूरो रिसर्च। कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च की बात करें, जो ज़ेब्रा फिश का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो मैमल्स की तरह होता है, जो कि इनको वैल्यूएबल बनाता है स्टडी करने के लिए हार्ट की डेवलपमेंट को, कार्डियक फंक्शंस को और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज़ को। कैंसर रिसर्च में देखें तो ज़ेब्रा फिश के जो मॉडल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एज स्टडी करने के लिए कैंसर जेनेटिक्स को, ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस को, ड्रग रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में देखा जाए तो जो ज़ेब्रा फिश होती है इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इन्वायरमेंट के अंदर टॉक्सिकोलॉजी, और बहुत से अगर कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया है तो हमें पता चल जाता है कि ज़ेब्रा फिश की अबंडेंस के अंदर भी चेंज आ जाएगा, और जो ज़ेब्रा फिश के अबंडेंस के अंदर चेंज आएगा और दूसरा जो चेंज आएगा उसके कोई भी बॉडी के अंदर चेंज आया तो हमें पता चल जाएगा वाकई इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आया है, तो ये एज एन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर भी काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी इंटरेस्टिंग और यूनिक फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, ओरिजिन एंड हैबिटेट आ जाता है। जो ज़ेब्रा फिश होते हैं ये नेटिव टू स्ट्रीम्स पॉन्ड्स ऑफ इंडिया के हैं, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। डिस्टिंक्टिव स्ट्राइप्स की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश होती है इसको नेम ही इसीलिए दिया गया है इसकी स्ट्राइप्स के बेस पे, क्योंकि ज़ेब्रा जैसे कि ज़ेब्रा की बॉडी के ऊपर जो स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं ब्लैक एंड वाइट, सेम एज जो ज़ेब्रा फिश होती है जो डेनियो रेरियो है उसकी बॉडी के ऊपर भी स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ज़ेब्रा फिश। तो ये इसको क्या जो स्ट्राइप्स होती हैं ये ब्लैक और जो ब्लू स्ट्राइप्स होती हैं ये इसको यूनिक बनाती हैं। जेनेटिक सीक्वेंसिंग की बात करें तो ये जो ज़ेब्रा फिश का जीनोम था ये सबसे पहले फुली सीक्वेंस किया गया था 2013 में, और 70% देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 70% जो इसकी जीन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू ह्यूमंस। तो
इसलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है फॉर स्टडी करने के लिए ह्यूमन डिजीज और जेनेटिक्स को। ऑप्टिकल क्लैरिटी की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश के जो एम्ब्रियोस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, अलाउ करते हैं रिसर्चर्स को कि वो ऑब्जर्व कर लेते हैं इजीली इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, और विदाउट उनको ज़रूरत नहीं होती है डाइसेक्शन करने की जो। और देखा जाए रीजनरेटिव एबिलिटीज़ की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश होती है इसके अंदर रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, ये जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रीजनरेट कर लेते हैं दोबारा से। उनके सोशल बिहेवियर की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश होती है ये कम्पलेक्स सोशल बिहेवियर शो करता है, जैसे कि कोर्टशिप और टेरिटरी का बिहेवियर शो करता है। और ड्रग डिस्कवरी में देखा जाए तो ज़ेब्रा फिश जो होते हैं इनको इंक्रीजिंगली यूज़ किया जाता है ड्रग डिस्कवरी में और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो एम्ब्रियोस होते हैं इनके रैपिडली डेवलप होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनको आइडियल बनाते हैं स्टडी करने के लिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। रिसर्चर्स जो होते हैं वो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश होती है ये हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट चेंज आ जाती है, जैसे कि प्लूटेंट्स आ जाती है ये इनको यूज़फुल बनाती है स्टडी करने के लिए, जो इफेक्ट्स आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर उनको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं क्योंकि ये क्या होती है, ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होती हैं, कोई भी चेंज आया है तो हमें पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आया है, अगर इनकी बॉडी के अंदर या इनके अबंडेंस के अंदर चेंज आया तो हमें पता चल जाता है। एजुकेशनल टूल की बात करें तो ज़ेब्रा फिश होती है ये इसको एजुकेशनल टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है क्लासरूम्स के अंदर और साइंस आउट रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर। इसका जो स्मॉल क्योंकि इसका जो स्मॉल साइज़ होता है और ईज़ ऑफ केयर इन फैन की वजह से, इन रीजंस की वजह से इसको यूज़ किया जाता है क्लासरूम्स के अंदर एज एन एजुकेशनल टूल। शॉर्ट रिप्रोडक्शन साइकिल होता है इनका, ये क्विकली मैच्योरिटी अटेन कर लेती हैं और प्रोड्यूस करती हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को, और इसलिए इनका शॉर्ट रिप्रोडक्शन साइकिल होता है। ऑप्टोजेनेटिक्स की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश होती है इसके अंदर इसका जो इसको यूज़ किया जाता है ऑप्टोजेनेटिक स्टडीज़ के लिए। इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं लाइट को कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स को और स्टडी करते हैं न्यूरल सर्किट्स को। जो शेडिंग लाइट होती है उसको यूज़ किया जाता है और इस तरह में इनके ब्रेन के फंक्शंस और बिहेवियर के बारे में भी पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले माउथ आ जाता है। जो माउथ होता है ज़ेब्रा फिश का वो वेंट्रली और टर्मिनली लोकेटेड होता है। ज़ेब्रा फिश के अंदर वेल डिफाइंड लिप्स होते हैं जो कि माउथ की ओपनिंग को सराउंड कर रहे होते हैं, और इसके अंदर टू सेट्स ऑफ जॉज होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ, जो कि पॉइंटेड टीथ जो स्मॉल पॉइंटेड टीथ होते हैं उनके साथ लाइंड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें आल्सो कंटेन ओरल कैविटी। जो ज़ेब्रा फिश होते हैं इसके अंदर फ्रेंजल टीथ मौजूद होती हैं जिनकी जो लोकेशन होती है बैक ऑफ द थ्रोट होती है, लॉन्ग द इनके इनर साइड ऑफ द गिल आर्चेस में देखे हैं। जो ज़ेब्रा फिश के अंदर गिल डेकर्स होते हैं। जो ज़ेब्रा फिश का माउथ होता है ये अडेप्टेड होते हैं ओमनीवोरस फीडिंग हैबिटेट्स के लिए, ये ओमनीवोरस होते हैं इसलिए इनका जो माउथ होता है वो अडेप्टेड होता है फीडिंग ओमनीवोरस फीडिंग हैबिटेट्स के लिए। देन अगर हम इसके स्केल्स की बात करें तो जो ज़ेब्रा फिश के डेनियर एरिया की जो स्केल्स होती हैं उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कवर्ड होती है स्केल्स से जिनको डर्मल स्केल्स कहते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं ये बोन लाइक मटेरियल से मिलकर बने होती हैं जिसको डेंटिन कहते हैं, और ये एक थिन लेयर से कवर होता है जिसको इनेमल कहते हैं। इनेमल कलरेशन जो पैटर्निंग होती है इनकी स्केल्स की वो वेरी करती रहती है बिटवीन इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट अगर हम इनके फिन्स की बात करें तो ज़ेब्रा फिन्स मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो फिन्स होते हैं वो पांच तरह के होते हैं। इनके अंदर कैजुअल, डॉर्सल, एनल, पेल्विक और पेक्टोरल। जो पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स होते हैं ये दोनों पेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैजुअल फिन की बात करें तो ये जो कैजुअल फिन्स होते हैं ये प्रोपल्सिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फैन लाइक शेप होती है इनकी और फॉर्केट अपीयरेंस होती है। दो लोब्स होते हैं इनकी, अपर और लोअर लोब होते हैं। डॉर्सल फिन की बात करें तो ये जो डॉर्सल फिन होता है अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द ज़ेब्रा फिश लोकेटेड होता है, और ये एज एन स्टेबलाइजर काम करता है ड्यूरिंग स्विमिंग। और एनल फिन की बात करें तो ये जो एनल फिन होता है ये वेंट्रल साइड ऑफ द ज़ेब्रा फिश मौजूद होता है और पोस्टेरियर होता है टू एनस, सिमिलर होता है डॉर्सल फिन की तरह, और ये भी स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग स्विमिंग। नेक्स्ट अगर हम इसके पेल्विक की बात करें तो ये जो पेल्विक फिन्स होते हैं ये पेड होते हैं और वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, बिहाइंड होते हैं पेक्टोरल फिन से, और ये जो होते हैं ये ड्यूरिंग स्विमिंग
हेल्प करते हैं। पेक्टोरल फिन्स की बात करें तो ये भी पेट फॉर्म में होते हैं, लोकेटेड होते हैं साइड्स ऑफ द ज़ेब्रा फिश जस्ट बिहाइंड द गिल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टीरिंग, बार्किंग और होवरिंग इन प्लेस के अंदर, मीन्स उनकी पोजीशन को, जो फिश की पोजीशन होती है उसको मेंटेन रखते हैं। ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले माइग्रेटरी बिहेवियर आ जाता है। ये माइग्रेशन शो नहीं करते हम जैसे कि पहले भी बात करते हैं, लेकिन सम टाइम भी माइग्रेट करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज़ की वजह से। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया है या फोटो पीरियड या फूड अवेलेबिलिटी के अंदर कोई चेंज आया है, सो दैट्स व्हाई ये माइग्रेशन शो करते हैं। ये जो माइग्रेशंस होती हैं ये असेंशियल होती हैं उनकी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। जो ज़ेब्रा फिश का जो लार्वा होता है वो माइग्रेट करता है वार्मर वाटर से उन एरियाज़ की तरफ जहाँ पे फूड की अबंडेंस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके पेरेंटल बिहेवियर की बात करें तो दोनों जो बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो केयर करते हैं अपने एग्स की और ऑफस्प्रिंग्स की। आफ्टर स्पॉनिंग जो मेल होता है वो फर्टिलाइज करता है एग्स को, और दोनों जो पेरेंट्स होते हैं इनका गार्डिंग के अंदर और मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग नेस्ट के अंदर रोल होता है। जो उनके जो ये क्या करते हैं, ये अपने फिन्स के थ्रू फैन करते हैं एग्स को, हवा दे देते हैं डूडू ताकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिले, और रिमूव करें उनके डेब्रिस मटेरियल को, डिफेंड करते हैं अगेंस्ट अगेंस्ट पोटेंशियल नेस्ट को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट पोटेंशियल प्रेडेटर्स। देन अगर हम इसकी रीसेंट रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करें तो एज वी डिस्कस अर्लियर, हम पहले बता चुके हैं कि इनको जेनेटिक स्टडीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके जीन सिमिलर होते हैं। डिजीज़ मॉडलिंग के अंदर हम इजीली स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन डिजीजेज को, इसको लेके इसको स्टडी करके। ड्रग स्क्रीनिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, न्यूरोसाइंसिस के अंदर, रीजेनरेटिव मेडिसिन के अंदर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दीज आर द रेफरेंसेज फ्रॉम विच डाटा कलेक्टेड, ये वो रेफरेंसेज हैं जहाँ से ये सारा का सारा डाटा लिया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक, थैंक यू।